बरनाला में प्रोग्रेसिव सीनियर सिटीजन सोसाइटी की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 250 से अधिक लोगों की वैक्सीनेशन की गई। इस मौके पर तहसीलदार संदीप सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल बंसल राणा, सुखविंदर सिंह भंडारी, राजेश भूटानी, बबीता जिंदल, अशोक जिंदल, जयंत गर्ग, विजेंद्र सिंह सहित सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। इस दौरान राजेश भूटानी और सुखविंदर भंडारी ने बताया कि ये कैंप प्रोग्रेसिव सीनियर सिटीजन सोसाइटी और सूर्यवंशी खत्री सभा के सहयोग के साथ लगाया गया है। इससे पहले संस्था द्वारा गांधी आर्य हाई स्कूल में भी कैंप लगाया जा चुका है। इस मौके पर SSP संदीप गोयल के दिशा निर्देशों से विमेन सेल की इंचार्ज इंस्पेक्टर जसविंदर कौर, CIA के ASI परमिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल रितु शर्मा द्वारा सियाचिन शहीद अमरदीप सिंह के 7 पारिवारिक मेंबरों की भी वैक्सीनेशन करवाई गई। गौरतलब है कि बरनाला के गांव करमगढ़ निवासी अमरदीप सिंह उम्र 23 वर्ष सियाचिन में 25 अप्रैल 2021 को शहीद हो गए थे। पुलिस विभाग द्वारा स्पेशल गाड़ी भेजकर शहीद के परिवार के 7 सदस्यों को वैक्सीन लगवाई गई। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अमरदीप सिंह शहीद परिवार करमगढ़ तो लेके अपना आई टी आई परिवार भी अज वैक्सीनेशन करवा के मैं राजेश भटानी, जनरल सकत्तर सूर्यवंशी खत्री सभा बरनाला। अज का जिहड़ा यह वैक्सीनेशन कैंप है वो सीनियर प्रोग्रेसिव सिटीजन सोसाइटी बरनाला और सूर्यवंशी खत्री सभा बरनाला वालों साझे तौर पर लगाया गया है। साडे संस्थावां वालों मिल के एक लोगों नूं चेतनता पैदा की गई कि करोना महामारी का समा चल रहा है ते तीजी लहर दी चेतावनी जिहड़ी है वो दिती गई है ते असी लोगों नूं जागरूक कर रहे हैं कि तुसी सारे आपो अपने परिवार के बच्चों नूं नाल लैके 18 साल तो उपर 65 साल तक के जितने भी परिवारक मैंबर ने उन्हां सारयां नूं जिन्हां दे सिंगल डोज लगी वो डबल डोज लवाउण अते जिहड़े बाकी रहिंदे ने वो अपनी जिहड़ी है पहली डोज लवा के करोना महामारी तो बचन दे लई अपने उपाय जिहड़े ने ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜੋ ਟੀਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।